अगर ब्लडी निपल डिस्चार्ज है अगर ब्लड आ रहा है निपल से दैट कैन बी अ डेंजर साइन एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट बाकी निपल कई बार इन्वर्टेड हो जाता है मतलब निपल अंदर की तरफ चला जाता है कई फीमेल्स के अंदर ये बचपन से या बर्थ से होता है एंड उनके अंदर वी टीच देम एक्सरसाइजेज दे आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज विच कैन बी डन टू ब्रिंग द निपल आउट सो दैट उनको दूध पिलाने के टाइम पे या लैक्टेशन के टाइम पे दिक्कत ना आए अगर ये प्रॉब्लम बचपन में नहीं पकड़ में आती देन इट इज़ द गनिकॉल रोल टू पिक इट अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही इसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए सो दैट पेशेंट को लैक्टेशन के टाइम पे दिक्कत ना आए अगर निपल लैक्टेशन के टाइम पे भी इन्वर्टेड रहता है तो उसमें परेशानी ये आती है कि उस ब्रेस्ट से दूध नहीं आ पाता है मिल्क एक्सप्रेस नहीं हो पाता है एंड उसकी वजह से उधर एप्सिस या फोड़ा बनने का भी चांस रहता है द थर्ड प्रॉब्लम इज़ दैट कई बार निपल जो है वो रीसेंट इन्वर्जन है मतलब पहले नहीं था इन्वर्टेड अभी कुछ महीनों से निपल अंदर चला गया है या रिट्रैक्ट हो गया है सो दिस कैन बी अ साइन ऑफ एन अंडरलाइंग कैंसर स्पेशली अगर ये आप 30 इयर्स के बाद कभी हो रहा है तो इट शुड बी इवेलुएट हमें एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखना चाहिए कि कोई निपल के नीचे कोई गांठ तो नहीं है जो कैंसर की भी गांठ हो सकती है एंड अगर गांठ होती है सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ट्रिपल असेसमेंट मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन उसके बाद अल्ट्रासाउंड और उसके बाद नीडल टेस्ट या ट्रूकट बायपसी